यहाँ पे पापा ने बनाया वर्जन मई तो दिस इज योर्स ओके थैंक यू दिस इज मामास दिस इज पापास हाँ बस हो गया अभी टूट जाएगा ग्लास बस डिड यू लाइक इट मामा Take it like this. Yeah. If you have a straw, you will like it. But I want this one. Spoon? Yeah. Don't take it out. Win with this one. What's this, Mama? It's mojito. Say it's mojito. It's mojito. Yeah. Drink it. Hey everybody, good morning. Once again, welcome to my channel. तो आज है मंडे Yes, आज है मंडे तो मैं बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि मैं रात को सोई हूँ एक्चुअली सुबह हो गया था 4:30 लगभग 4:30 4:10 ऐसे क्योंकि मुझे कल रात को एडिट करना था दो वीडियो एडिट करके जो बाकी जो है वो डिलीट करना था क्लिप को डिलीट करना था बस एडिट करके छोड़ दिया हूँ आज है मंडे तो मंडे बहुत काम रहता है एज़ यूज़ुअल आप लोगों को पता है तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ अपना दवाई के साथ पहले अपना दवाई ले लूँगी फिर मैं अपना काम पे लग जाऊँगी वहाँ पे फ्रीज़र से मैं फ़िश निकाल के रखी हूँ फ़िश बनाऊँगी वो तो खाना ही पड़ेगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा आज फ़िश है हम लोग ने कल फ़िश खाया नहीं था तो इसलिए रह गया इसलिए हम लोग को अब वॉकिंग डे में भी फ़िश खा रहे हैं तो चलो अपना काम को शुरू करते हैं दवाई ले लिया हूँ अभी फिर से थोड़ी देर बाद ये वाला थायराइड का दवाई लेना पड़ेगा मुझे बिफोर फूड अभी मैं काम पे लग जाऊँगी वॉशिंग मशीन चल रहा है सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो अभी सबसे पहले जाऊँगी किचन कल जो ग्रीनी लीफ जो लेके आया था वो भी मैंने साफ नहीं किया अब पूरा मेरे को काम पे लगना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे फिश मेल्ट होने के लिए रखी थी तो सारा मेल्ट हो गया है अभी मैं इसको दो हिस्सों में पकाऊंगी एक करूँगी बॉयल सब कुछ डालूंगी बॉयल ये मतलब नहीं है सिर्फ पानी में डाल दिया और बॉयल हो गया मतलब प्रॉपर हल्दी नमक मिर्ची प्याज अदरक वो सब चाहिए होता है बॉयल करने के लिए भी फिर धनिया देने से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है फिर धनराज के लिए मैं बनाऊंगी फ्राइड फिश करी ड्राई मतलब फ्राई करके फिश करी बनाऊंगी अभी चलो लगता है अपना काम पे मेरे को पूरा टायर्ड लग रहा है एनर्जी नहीं है ऐसा कुछ फील हो रहा है वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इतना लंबा वॉकिंग करती हूँ बहुत दिन बाद बाहर निकलती हूँ इसलिए अचानक ऐसा जब बाहर निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है तो चलो अपना काम निकल जाता है बॉडी तो साथ नहीं दे रही फिर करना तो पड़ेगा ही अभी खाना वाना बना के आर को भी खिलाना है तो खाना लेट हो रहा है उसके लिए भी फिश फ्राई दो पीस कर दूँगी एक सुबह के लिए एक रात के लिए सबसे पहले मैं राइस को सोक करके रखूँगी My sugar juice. That my mother said sugar juice.
He said, it's mine. तो यहाँ पे फिश फ्राई हो रहा है। यहाँ पे फिश फ्राई होते होते मैं यहाँ पे साइड बाय साइड मिर्ची का जो डंठी है वो भी निकाल दिया हूँ। जो भी ग्रीनी लीव साफ करना हो वो साइड बाय साइड मैं इधर करते रहूँगी, मतलब उधर पकते भी रहेगा और मैं यहाँ पे कोई एक काम भी कर सकती हूँ वो, ताकि मेरा जल्दी से हो जाए। अब मिर्ची तो मैंने साफ़ कर दिया, अब करूँगी नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं फिश बॉईल करने वाली हूँ। सारा इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिया। ये वही कढ़ाई है जहाँ पे मैंने फिश फ्राई किया था करी के लिए, तो वो ऐसा हो गया, ऐसा हाल हो गया। स्पेशली ना ऐसा कढ़ाई मैं जब फ्राई चीज़ी के लिए यूज़ करती हूँ, और दूसरा वाला तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। उसमें अगर दाग बैठ गया जाता ही नहीं है। ये भी बहुत डिफ़िकल्टी होता है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता ये कढ़ाई में अगर लग गया तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया है आनियन, आनियन, मिर्ची, अदरक और ये धनिया, फिर हल्दी, नमक। देखिए अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको पकाने वाली हूँ कवर करके। पूरा बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे। कवर करके थोड़ा देर पकाऊंगी, उसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, फिर अच्छे से पकाऊंगी। तब पूरा ड्राई करना है, उसके बाद हो जाएगा मेरा फिश बॉयल। और इस तरफ है पूरा मेसी हो चुका है मेरे किचन। ये है फिश करी जो पतला करके बनाई हूँ। ये बहुत गर्म है, यहाँ पे रख दिया हूँ ताकि रात को मुझे गर्म करने में आसानी हो। कोई बाउल में इसमें नहीं रखी हूँ। ये देखो आज मैंने करी पत्ता यूज़ किया हूँ यहाँ पे, और पतला सा झोल बना के यहाँ पे साइड कर देते हैं। ये है दाल, आलू के लिए फिश थोड़ा सा निकाल के दिया है, उसको पता नहीं कैसे लगता है, टेस्टिंग के लिए कैसे लगेगा। इसको करते हैं कवर फिश को, उसके बाद यहाँ अपना काम जो है, यहाँ पे जो मेसी चल रहा है ये काम ही चल रहा है, अभी तक होने वाला है, ये लास्ट है। वो जैसे हो जाएगा मैं वॉशिंग मशीन का सारा कपड़ा सुखाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि धूप आने वाला है। ओके, यहाँ पे जो मेरी जो फिश है ये ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी पानी, इसको थोड़ा वो होने देते हैं। उसके बाद मैं फिश को, जो फिश का पीसेस है वो उसको फ्लिप कर दूंगी आस्ते आस्ते करके। पहले उसको पानी पानी जो है उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। पे अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है और मैं आस्ते आस्ते करके फ्लिप कर दूंगी। और नमक जो स्वाद अनुसार टेस्ट करना पड़ता है। अब मैं इसको कवर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी पक चुका है। ये पानी को पूरा ड्राई करना है, एकदम ड्राई। और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें जो है क्लीन कर दिया है, एवरीथिंग इज क्लीन। ये पूरा क्लीन हो चुका है। अब जाऊँगी मैं, इसको ऐसे ही पकने दो, ये ड्राई होते रहेगा। अब मैं जाऊँगी वॉशिंग मशीन का कपड़ा निकालने के लिए। ये देखो पूरा ड्राई हो चुका है, ऐसे करके ड्राई करना पड़ता है पूरा। अब ये पक चुका है, मैं करूँगी ऑफ। मैंने यहाँ पे सारा कपड़ा लगा दिया है, अब करूँगी मैं नेक्स्ट काम। चलो, जस्ट ये आजियो से दो पार्सल आया है मेरी, आरू के लिए मंगवाया है मैंने। मैंने उसको उसके लिए बूमर मैंने उसके लिए बूमर ऑर्डर किया है, वही आया है। उसका जो बूमर है सब पुराना पुराना हो गया, और 6 या 8 सेट है जो वो जो मैंने शायद शॉपसी से मंगवाया है, ये आजियो से मंगवाया है। ये थोड़ा अच्छा वाला है, जो 3 है, कलर बहुत सुंदर है। वैसे ऐसे ही कलर खरीदती हूँ मैं, वो रंग बिरंगी वो थोड़ा कम, बहुत ही कम खरीदती हूँ मैं। यस, ये है बूमर 3 to 4 ईयर्स का, ये हो जाता है उसको आराम से।
ये है थ्री सेट जो उसके लिए लिया है, और ये है, ये है मास्क उसके लिए जो मैंने ख़रीदा है। वैसे जब से वो मास्क यूज़ करना शुरू कर दिया है तब से यही मास्क यूज़ कर रही है। आगे का जो था वो सेम ब्रांड का है जो कि थ्री पैक का था। ये शायद पता नहीं, 1 2 3 4 5 शायद 5, हाँ 5 है। मार्केट प्राइस 400, मैंने ख़रीदा है 200 में आजियो से। यही मास्क मेरे को अच्छा लगता है, उसके लिए बड़ा होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, ये देखो उसका मास्क वगैरह ना बहुत पुराना हो चुका है, उसके लिए बड़ा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो है ना ये ऐसे करके एक फोल मार के यहाँ पे सिलाई कर देती हूँ तो वो हो जाता है उसके लिए। अभी जो है मैं आरू को नहाने के लिए लेके जा रही हूँ। यस, ये है 3 बूमर और ये है मास्क। और एक चीज़ आया है, ये आप लोग को मैं नहीं दिखाऊंगी और ना कि ना आरू को भी दिखाऊंगी। उसका दादी का तरफ से ये फर्स्ट क्राइ से एक बर्थडे गिफ्ट आया है, मैं अभी खोल के देखती हूँ। आप लोग को जब वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेगी तब दिखाएंगे ज़रूर। अभी गिफ्ट तो नहीं दिखाऊंगी, उसको भी नहीं दिखाऊंगी, मैं छुपा के रख रही हूँ। जो भी बर्थडे गिफ्ट आ रहे हैं सब मैं कहीं छुपा के रख रही हूँ। उस दिन भी जो उसका मामून है मेरे को ये फोड़ना बहुत अच्छा लगता है, आरो को भी ये पूरा अच्छा लगता है फोड़ने के लिए। तो चलो मैं उसको जाके नहा के लेके आती, मैं आप लोग को दिखाने भूल गई। अभी जस्ट प्रिंट देखी हूँ मैं उसको बोलने भूल गई कि तेरे लिए मैंने मास्क ऑर्डर किया। उस दिन बोल रही थी मेरा मास्क सब ख़त्म हो गया। ये है थोड़ा लड़कों वाले लेकिन चल जाते हैं, रॉर मंकी जंगल वाला था। ये पांडा प्रिंट इतना सुंदर है। ये कौन सा है, डायनासोर। हाँ ये वाला तो उसके पास जो अभी भी यूज़ कर रही है वही है। और ये यूनिकॉर्न वाले, ये दो देख के बहुत खुश, ये तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, यूनिकॉर्न देखने से बहुत खुश हो जाती है। ये जंगली वाला है, उसके लिए नया कलर है मुझे पता है, लेकिन वो सबसे पहले ना पिंक कलर ही यूज़ करेगी, उसको पिंक कलर ही पसंद है। इवन मेरे को भी पसंद है, मैं हमेशा लाइट कलर, इवन आप लोग मेरे कपड़े वगैरह जो भी देखते हो ना, मैं हमेशा लाइट कपड़े पहनती हूँ। बहुत कलरफुल वाला मैं पहनती नहीं हूँ। जो भुवनेश्वर जब जा रहे थे वो मेरा फर्स्ट जो सलवार था वो फर्स्ट है जो ऐसा कलर खरीदी हूँ, नहीं तो मेरा कलर सब वाइट ब्लैक बहुत कम होता है, ब्लैक पीच कलर, पीच एंड पिंक वाइट एंड येल्लो, ये सब कलर इतना ज़्यादा। इवन मेरा बेटी भी सेम चीज़ें वही पहनती है, उसको वही सेम चीज़ें पसंद है, लाइट कलर ही पहनती हूँ। पता नहीं कलरफुल वाला जो ड्रेस होता है पसंद नहीं लगता है, अजीब सा थोड़ा लगता है, इवन मेरे को लगता है कि मेरे को सूट नहीं कर रहा। तो चलो अच्छा, ये जो बूमर है ये भी वैसे ही है, वाइट पिंक एंड येल्लो यही कलर, एंड अनदर वन पीच कलर, ब्लैक कभी कभार। ओके तो मैं उसको नहा के लेके आती हूँ। ओके अरु जो है यहाँ पे नहा के आ चुकी है, अभी हेयर ड्राई करेंगे। ये आ गई है नहा के। गाइस बाहर इतना जोर से हवा चल रहा है, ये देखो मेरे को सारा कपड़े अंदर घुसाना पड़ा, अब लॉन्ड्री स्टैंड में लगाना पड़ेगा, बारिश आएगा शायद, कहीं पे बारिश दे रहा है। अब हम लोग का यहाँ पे भी देगा बहुत ज़ोर से, बालकनी का बाहर जाके इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, कोई बाहर में गाना बजा रहा है मेरे वीडियो में कॉपीराइट लग जाएगा। देखो कैसा हिल रहा है पत्ता वत्ता, देखो पूरा यहाँ गंदा हो गया है, ऐसा धूल मिट्टी सब अंडर घुस गया है। अभी बारिश आ गया, अब ये पूरा वॉश करना पड़ेगा मेरे को। अभी भी हवा मार रहा है, पावर कट हो गया और आरू जो है दिन का नैप ले रहा है, मेरे को भी पूरा नींद आ रहा है। रात को मैं 4:10 से सोया लेकिन अभी मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है,
आरू जो है अभी सो रही है, उससे पहले उसको मैंने नहाने के लिए लेके गई, फिर आई खेलते खेलते उसने खाना खाया और फिर थोड़ा खेली, उसके बाद सोने के लिए चली गई। लेकिन लाइट नहीं है अभी, अब मेरे को पूरा काम करना पड़ेगा अभी, तो चलो काम कर लेते हैं। गाइस, तो आज का वीडियो इतने तक ही है। मुझे पता है आज का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, अगर मैं वीडियो बनाती रही तो काम इतना लेट हो जाता। आरू तो नैप ले रही है, अब पावर भी आ गया है, मैं अभी क्या करूँगी, फ्रेश अप होंगी उसके बाद खाना खाऊँगी, फिर वीडियो एडिटिंग के लिए बैठ जाऊँगी मैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।